ओम श्री परमात्मने नमः। भागवत वाणी को स्वागत दर्शक बंधु, आज आसंतु आमे श्रवण करिबा आउ आलोचना करिबा श्रीमद् भागवतर प्रथम स्कंद अंतर्गत पंचम अध्यायर 87-92 पदावली उपरे। ये पदावली भितरे जो निर्जास आसंती आपण माने श्रवण करूथिले, जो माने मुकुंदंकर चरण सरोजरे निजकु समर्पित करी दियंती, से माने आउ जन्म मरण चक्र भितर को आसंती नाही, किंबा मर्त्यरे आउ पातालपुररे से माने परिभ्रमण करंती नाही। जो माने एई कार्यक्रम भितरु टिके दूर को जानती, अर्थात भगवान को चरण सरोजरे निजकु समर्पित करंती नाही, से माने जन्म मरण चक्र भितरे निरंतर आसुथांती आउ जाउथांती। जो व्यक्ति भगवान कर चरण पद्मरु जो रस बाहरुची, से रस को नित्य निरंतर पान करिथांती, से मानंकु रसिक जन कहा जाए। रसिक जन जेभली रसरे श्रद्धा करे, तो हरि रसिक हरिंकर पाद पद्मरु बाहरुथिबा जो रस, से रस को निरंतर पान करिथाय आउ ताहाकु सर्वस्व बोली मने करिथाय। भागवत कहंती से व्यक्ति ईश्वर किभली प्रत्येक जीव भितर रहिछंती, ईश्वर किभली जीवर बाहरे रहिछंती, ईश्वर किभली माया द्वारा ये जगतर उत्पत्ति पालन आउ संहार करुछंती, तत्व गुड़ी को से व्यक्ति ही बुझी पारे जिए भगवान श्रीकृष्ण चंद्रंकर चरण सरोजरे निजकु भ्रमर टीए भली लगे देछि। आउ से लगे दबा भितरे जो आनंद अछि, जो आनंद को नित्य निरंतर से अनुभव करुथाय, से भली आनंदर जगतरे तुलना नाही, ताहि परम आनंद। तेबे दर्शक बंधु आज आसंतु निजर मन को से कृष्णंकर चरण सरोजरे चरण पद्मरे लगे दबा, ता भितरु बाहरु थिबा जो रस को आकंठ पान करिबा, दुनियार समस्त दुखर उपरी भाग को जाई केवल आनंद आनंद भितरे बंचिबा को होची सिखिबा, एहाई हौ आम समस्तंकर जीवनर चरम आउ परम ध्येय। जय जगन्नाथ।